हम जिस मस्जिद में तरावी पढ़ते हैं वहाँ 8 रकात पढ़ते हैं, 8 रकात से अदा नहीं होती, बाकी फिर आपको खुद अकेले पढ़नी पड़ेंगी, या उस मस्जिद में जाओ जहाँ 20 हूँ। ये महज जिद है, वरना जिस बात पे उम्मत का तवातुर और तामल हो जाए उस पर ना कोई सनद की जरूरत होती। अब देखो सूरज निकला हुआ हो तो इसमें सनद की जरूरत है कि जी सूरज निकला है या नहीं निकला, निकला हुआ है। इसीलिए एक बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े काजी भी थे, अतीयतुल्लाह, फौत हो गए रहमतुल्लाह अलैह, और हरम मदीना में भी उनका दर्स होता था मगरिब से इशा तक। उन्होंने किताब लिखी है तरावी पर कि हजरत उमर के ज़माने से लेकर आज तक पूरी उम्मत में 20 तरावी है, और हरमैन शरीफैन में भी 20 तरावी है, 20 तरावी है और 3 वितर। ये तो उम्मत का पूरा यानी मुकम्मल अकीदा है। अच्छा, वो जिस हदीस से हुज्जत पकड़ते हैं 8 रकात, वो तहज्जुद की रकाते हैं, वो तरावी की नहीं है। और तहज्जुद में ये होता है कि 4-4 रकात बना के पढ़ें। काने युसल्ली अरबान अरबान, बीबी ऐसा फरमाती है हुजूर 4 रकात 4 रकात, और फिर आपकी नमाज का क्या कहना है, वो कितनी खूबसूरत नमाज होती थी। तरावी में 2-2 रकात होती है, तरावी में हर 4 रकात के बाद तरवीहा है, आराम है, उसमें तो तरवीहा नहीं होता है। और फिर तहज्जुद के लिए तो रात का आखिरी वक्त अफजल है, और तुम तो अव्वल वक्त में पढ़ते हो, ये कहाँ है? तो इसलिए बिला वजह जिद का तो कोई इलाज नहीं। एक ही इलाज है कि दुआ करें अल्लाह दिलों से बगुल और जिद को निकाल दे, तो कोई मसले हैं ही नहीं। अच्छा, अब देखें, एक हदीस में 11 रकात भी है, 12 रकात भी है, 13 रकात भी है, 20 रकात। तो अब जो आदमी 20 पढ़ेगा तो 8 वाली हदीस 12 वाली 11 वाली सब पे अमल हो गया ना, और जो 8 पढ़ेगा तो बाकी हदीसें, तो जो 4 हदीसें छोड़ता है वो तो जनाब पक्का हदीस पे अमल करने वाला है। जो ऐसा अमल करता है कि सारी हदीसों में अमल, जो कह दे नहीं जनाब ये देखो ये तो अनफी है, अब इसका भी इलाज मेरे पास नहीं है, मां सिवा इसके के दुआ की जाए। 20 रकत तरावी का मसला है, 20 रकत तरावी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 20 रकत तरावी शुरू की है तो खुलफाए राशिदीन के दौर में, फिर पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत से कम 1 रकत का भी रिवाज नहीं था। कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि सहाबा और ताबईन के दौर में किसी मस्जिद में 8 रकतें तरावी होती हूं, सहाबा और ताबईन के दौर की बात कर रहा हूं। और अल्लामा शामी रहिमहुल्लाह ताला ने आज से तकरीबन 150 साल पहले लिखा है कि मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हरम हिजाज मक्का मदीना, हिजाज की सरजमीन में मक्का मदीना सऊदी अस्पुर आता था, सब जगह 20 रकत तरावी होती है। तो सदियों से कितनी चलती आ रही हैं, क्यों, दलील क्या है? दलील फॉलो करते आ रहे हैं एक दूसरे को सीना बसीना। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, अब फौरन कहते हैं भाई बुजुर्गों की नहीं मान के चलना हमने, हम तो हदीस को मानेंगे। इसका मतलब आपके बुजुर्ग किसी और चीज को मानते थे तो वो बुजुर्ग नहीं थे। बुजुर्ग अब कब पैदा हो रहे हैं, 15वीं सदी में पैदा हो रहे हैं बुजुर्ग। 1400 साल से मुसलमानों में कोई बुजुर्ग पैदा हुआ ही नहीं है। कोई अंग्रेज मुसलमान होगा वो क्या कहेगा, बोलेगा तुम तो 1200 साल से तुम्हारे कोई बुजुर्ग ही पैदा नहीं हुआ। तो जो अमली तवातुर है ना, अमली तवातुर, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है खबर वाहिद से, चाहे वो बुखारी की हदीस हो चाहे वो मुस्लिम की हदीस हो। अमली तवातुर की अहमियत ज्यादा है बुखारी और मुस्लिम की हदीस से। बात आ रही है समझ में, जो सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। लोग आज हवाला देते हैं कि मक्का और मदीना में हर जगह 8 रकत तरावी होती है, आज होती है, 100 साल पहले नहीं होती थी। 100 साल पहले का मक्का और मदीना देखो तो पूरे मक्का और मदीना में 20 रकत तरावी होती थी। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ में, पूरे मक्का और मदीना में, और सदियों से होती आ रही है। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला 80 हिजरी की पैदाइश है, 2री सदी हिजरी के आलिम, वो कहते हैं मैं मक्का में सबको मैंने 20 रकतें पढ़ते हुए पाया।
तो अगर मक्का को फॉलो करना है तो इमाम शाफी के दौर का मक्का ज्यादा बेहतर था या आज का मक्का ज्यादा बेहतर है? बोलते क्यों नहीं भाई, मक्का को अगर फॉलो करना है आप आठ पढ़ें, मगर ये दलाइल जो आप दे रहे हैं ना कि मैं फरोई मसाइल में गुलूव का कायल नहीं हूं, जो आठ पढ़ रहा है ठीक है चलो ना पढ़ने से बेहतर है आठ तो पढ़ रहा है ना, लेकिन मैं कहता हूं कि उलमा को बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम अहमद इब्न हंबल को, इनको बेवकूफ मत समझो। लोग हदीस का नाम ले रहे हैं लेकिन तंज किस पे हो रहा है? इन बड़े बड़े आइम्माए कराम पे तंज हो रहा है। हमें 20 और 8 से इतना मसला नहीं है, 8 पढ़ लें 20 पढ़ लें जितनी समझ में आती है पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे आपको, लेकिन ऐसी बातें मत करें कि उम्मत का असलाफ पर से एतमाद खत्म हो जाए। इमाम अबू हनीफा भी 20 रकत के कायल, इमाम मालिक भी 20 के बजाय 36 के कायल है वो, और इमाम शाफी भी 20 के कायल, और इमाम अहमद इब्ने हंबल भी 20 के कायल है। तो ये सारे क्या हदीस से नाबलद थे? इनको किसी को भी हदीस का नहीं पता था। लोग बार बार कहते हैं मदीना में तो 8 होती हैं हर जगह, मक्का में भी हर जगह 8 होती हैं, अंडा मोड़ पे कितनी हो रही हैं, हरम में 20 होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि 1400 साल से 20 होती आ रही हैं। हरम में भी सलफी हजरात ने 20 रकत को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, याद रखो एड़ी चोटी का जोर लगाया है, मगर वहां खत्म क्यों नहीं हुई? वो खत्म कर रहे थे। मदीना यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आलिम ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है कि 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया हरम में 20 रकत से कम एक रकत भी नहीं हुई है, हम कैसे खत्म कर दें इसको? दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे भाई? दुनिया कहेगी कि अब कुरान और हदीस को फॉलो किया जा रहा है मदीना में, अब कुरान और हदीस को फॉलो किया जा रहा है हरम में, 1400 साल से क्या कर रहे थे? इस वजह से उन्होंने खत्म नहीं की। बात नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया कि आप 20 रकत तरावी को सुन्नत क्यों समझते हो, आपके पास हदीस क्या है? इमाम हनीफा के पास इस पर कोई हदीस मरफू हदीस यानी नबी से नहीं थी। उन्होंने जवाब दिया, मा राई तो उमरा मुबतदियान, मैं उमर बिन खत्ताब को बिदअती नहीं समझता। तो इमाम शाफी अपने दौर में लिख रहे हैं कि मक्का में मैंने सबको 20 रकतें पढ़ते हुए पाया, और फिर इमाम शाफी ने यह मजहब इख्तियार किया कि सुन्नत कितनी है? 20 रकत। अब कोई इमाम शाफी से पूछे कि सुन्नत तो वो होती है जो कुरान और हदीस में हो, 100 साल बाद के मक्का का अमल तो सुन्नत नहीं है ना, क्या करें? हमसे पूछते हैं ना कुरान हदीस में दिखाओ, तो इमाम शाफी से क्यों नहीं पूछते कि हजरत कुरान हदीस में दिखाए ना कि 20 रकत सुन्नत है? इमाम शाफी कह रहे हैं कुरान हदीस ही से दिखा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ना मक्का में 20 होती है, कैसे ये तो कुरान नहीं है मक्का? वो कहते हैं इसलिए कि ये इतने सारे जब 20 पढ़ रहे हैं, अगर ये अमल बिदत होता तो मक्का में इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, इतने बड़े बड़े फुकाहा, वो इस पर नकीर करते, इसको रोकते, नहीं रोका तो इसकी अलामत है कि ये अमल कहां से चला आ रहा है? खुलफाए राशिदीन से, और खुलफाए राशिदीन बिदत पर जमा नहीं हो सकते। तरावी की 20 रकत में कभी कभार शुबह पैदा हो जाता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अदाबी की थी या नहीं की थी, और क्या सहाबे किराम का इस पर अमल रहा था या नहीं रहा था। तो याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इस बारे में मुख्तलिफ था। मुसन्नफ इबन अबी शीबा ने यह एक रिवायत नकल की है, हजरत इबन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकअत तरावी अदा किया करते थे। तो इससे ये मालूम होता है कि 20 रकतें भी आपने अदा फरमाई हैं। और सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की इस रिवायत से खास तौर पर शुबा पड़ता है कि किसी ने आपसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कितनी रकतें नमाज पढ़ते थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजान व फी गैरिही 11 रकअत, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और इसके अलावा 11 रकअतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इससे बाज लोगों ने इस्तदलाल ये किया कि शायद 3 रकत वितर और 8 रकत तरावी होती थी, नबी करीम रमजान में 8 रकत तरावी पढ़ते थे। हालांकि अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज के फी रमजान व फी गैरिही, कि रमजान में भी आपका यही मामूल था और रमजान के अलावा भी ये मामूल था, तो इससे मालूम हुआ कि खास ये कौल तरावीह के बारे में तो नहीं हो सकता, वरना अलावा रमजान के तरावी नहीं होती।
लिहाजा इसमें शारहीन ने यह फरमाया कि यह दरअसल तहज्जुद के बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठकर 8 रकअत तहज्जुद पढ़ते थे और 3 रकअत वितर अदा करते थे। इस तरह 11 रकअतों का बयान सईद आयशा ने फरमाया और ये रमजान में भी आपका रूटीन रहा, रमजान के अलावा भी रहा। लिहाजा मालूम यह हुआ कि 20 रकअत तरावी ही पढ़नी चाहिए और खास तौर पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने अकदस में बाकायदा 20 रकअत तरावी जमात के साथ हुआ करती थी। जिस पर एक छोटी सी दलील जो इंशाल्लाह दिलचस्पी का बायस भी होगी कि अगर आप कुरान पाक के रुकू की तादाद देखेंगे तो वो 540 है। ये आयन जो लिखा होता है सिपारों में आपने देखा होगा, ये रुकू होता है, ये उस मकाम पे लिखा गया है जहां सहाबे किराम तरावीह में रुकू किया करते थे। तो 27वीं शब को पूरा कुरान खत्म होता था तो हर दिन में 20 रकत तरावी हैं तो 20 रुकू हुए, तो 20 को अगर आप 27 से जरब देंगे तो 540 जवाब आएगा और अगर आप कुरान में देखेंगे तो 540 ही रुकू हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे मालूम हुआ कि सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान 20 रकत तरावी अदा करते थे और 27वें शब में कुरान खत्म करते थे, तो हर शब में 20 रुकू होते थे और 27वीं के अंदर जब हम ज़रब दे दें 27 दिन को 20 के साथ तो 540 जवाब आता है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि सहाबे किराम 20 रकत तरावी अदा किया करते थे, लिहाजा 20 रकत तरावी ही अदा करनी चाहिए। तरावी की 8 रकात और 20 रकात की तफसील बताएं, मस्जिद नबवी में कितनी रकात पढ़ाई जाती हैं? तरावी की 8 रकात और 20 रकात की तफसील तो मुश्किल है, इख्तिसार मुमकिन है। तरावी की 8 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में और आम कुतुब अहादीस में, यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद की मुअत्ता में भी यह हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे रमज़ान व गैर रमज़ान में। इसी तरह से मुअत्ता इमाम मालिक की है, उसमें उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में रिवायत है कि उन्होंने हुक्म दिया तमीम अद्दारी और उबै इब्न काब को कि वो लोगों को 11 रकत पढ़ाएँ। इसके अलावा भी रिवायतें मौजूद हैं इब्न हिब्बान की और इसी तरह से इब्न खुज़ैमा की रिवायत में हज़रत जाबिर की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 रातों में 11 रकतें पढ़ाई थी, और भी इसके अलावा दलाइल दिए जा सकते हैं। तो इससे ये 8 रकत यानी 11 रकत की दलील मिलती है। 20 रकत की दलील एक तो इब्न अबी शैबा की रिवायत है जिसमें 20 रकत पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित होता है, लेकिन रिवायत के वजूद के एतबार से, सबूत के एतबार से नहीं, उसकी वो रिवायत मोतबर नहीं है। तकरीबन सारे उलमा ने उस रिवायत को ज़ईफ़ बल्कि बाज़ ने मौज़ूस को कहा है, तो ये साबित रिवायतें नहीं हैं। इसी तरह से सहाबा से भी जो रिवायतें साबित है वो यानी आई हैं वो भी साबित नहीं हैं। ताबईन का अमल इसमें मिलता है कि उन्होंने 20 पढ़ी, तो ताबईन का अमल सिर्फ 20 का नहीं मिलता है। इमाम आइनी कहते हैं, अल्लामा आइनी जो हनफी माने जाते हैं, वो कहते हैं अपनी किताब उम्दतुल क़ारी में, इसमें काफ़ी इख्तलाफ है और उम्मत में 10 कौल इसके हैं, 11 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 28 भी है, 36 भी है, 39 भी है, 41 भी है, 47 भी है, तो अब एक अदद इसका कोई है नहीं। तो उम्मत में सारे अमल इसके मिलते हैं, तो ताबईन से 47 रकत भी मिलती है। तो कोई आदमी ये अगर कहता है कि भाई आपको 20 भारी इसलिए आप 11 पढ़ते हो, हम ये कह सकते सही आपको 47 भारी इसलिए आप 20 पढ़ते हो, तो ये कम ज़्यादा का मसला नहीं है। और फिर कोई आदमी कहे जब इतना इख्तलाफ है तो करे क्या, तो हम कहते हैं कि वही करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो ये उसकी तफसील है इख्तसारन। मस्जिद नबवी में कितनी रकत पढ़ी जाती हैं? मस्जिद नबवी में 20 रकत पढ़ी जाती है। अगर कोई आदमी कहता कि फिर जब 20 रकत पढ़ी जाती तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते, हम कहें कि हमारे नबी ने मदीना में कितनी पढ़े, तो मस्जिद नबी में आज या मस्जिद नबी में हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में मस्जिद नबी में कितनी पढ़ी जाती थी, 11, और आज कितनी पढ़ी जाती है, 20, क्यों? उनको जाके पूछो, उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। उलमा ने उस बारे में आज के दौर में बहुत सारी बातें कही हैं कि दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर चूँकि आम तौर से उम्मत में 20 रकत पढ़ी जाती हैं, लिहाजा अगर 11 पे ख़त्म कर देंगे तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए 2 इमाम उन्होंने रखे हैं, 10 पे 10 पे वो बदल जाते हैं। तो जितने लोगों को 11 पढ़ना है वो एक के साथ पढ़ के 10 पढ़ने के बाद फिर 3 वितर पढ़ लेता है। तो इस तरह से जो भी चाहे वो 11 इस तरह से 3 वितर या 13 या 11 पढ़ सकता है।
तो उसमें कोई हरज नहीं, 13 रकत की रिवायत भी एक रिवायत में मिलती है हमको, हताइशा की रिवायत में से। इसकी तफसील मैं अपने दुरुस में भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये बात उलमा ने जिक्र की है। अगर कोई आदमी कहता नहीं जब मदीना में वो है तो वह हक है, तो फिर मदीना में ईद की नमाज में कुल मिला के 12 तकबीरात होती हैं, तो जो आदमी 20 मान रहा है वो 12 भी मानना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता है। मदीना में रफुल यदैन भी होता है, नहीं मानता है। आमिन बिलजहर होता है, नहीं मानता है। मदीना में नमाज के फ़र्ज नमाज़ों के बाद इज्तमाई दुआ नहीं होती है, नहीं मानता है। फिर जो आदमी मदीना को दलील बनाए वो अपने दिल के हिसाब से ना बनाए, फिर सारी चीज़ों को बनाए, तब बात समझ में आएगी। अपनी मर्ज़ी की बातों को दलील बनाना अहले हवा का तरीक़ा है, ख्वाहिश वालों का तरीक़ा है, इल्म वालों का नहीं। और मदीना को दलील बनाने की बजाय मदीने वाले को दलील बनाए तो कितना अच्छा।